तो कोई ये मत समझ लेना भाई बहुत शो ऑफ कर रहे हैं यार इसके पीछे ना थोड़ा क्या है उसमें, वो क्या गाड़ी क्या खड़ी करने के लिए ले क्या? कोई उठा नहीं भाई सोसाइटी में। तो क्या भी मुझे सीधा मेरे घर तक छोड़ने वाली है, तो बीच में कहीं पे रुकना नहीं। फाइनली मैं नासिक फाटा तो पहुंच चुका हूँ, यहाँ से मेरी कैब मुझे पिकअप करने वाली है। इतनी रश है यार यहाँ पे। तो गाइज अपनी कैब तो आ चुकी है, गाइज ये है अपनी कैब। चलो गाइज निकलते हैं अभी। क्या हो गया है, पेड़ गिर गया है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, पूरा रास्ता ब्लॉक है। अभी यू टर्न ले रहे हैं हम लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज बस स्टॉप पे रुके हैं, 3 पैसेंजर ऐड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बैग्स हो गए भाई, बूट स्पेस काफी कम है। फटाक से नाश्ता कर लेते हैं, फिर लंच के लिए रुकेंगे कहीं पे। भाई अपने फेवरेट पोहे रेडी। तो गाइस लगभग आधा पौन घंटा वेट करने के बाद हमारे लास्ट पैसेंजर आ चुके हैं और अभी यहाँ से निकलने वाले, बहुत टाइम वेस्ट हो गया यार। चलो भाई पंगा हो गया है, बैग्स ज्यादा हो गए गाड़ी में, स्पेस कम पड़ रही है। तो गाइस फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं और एक पैसेंजर तो हमारे नहीं बैठे भाई, उनको तो बहुत जगह चाहिए थी। हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ, ऊपर से वो बैठे भी नहीं भाई, लेट हो गया एक घंटा। तो गाइस ये रास्ते में जो पेड़ गिरा है ना, इसको काटने का काम चल रहा है अभी। डायरेक्ट आर्मी आ गई है भाई। ये देखो कट हो रहा है, बरगद का पेड़ है ना। बुकिंग रहते गाड़ी। तो गाइस ये सेम सीएनजी पंप है जहाँ पे पिछली बार हम रुके थे और मैं बैठ गया भाई। इधर बोर होता है यार, इतना बड़ा लंबा सफर, मुझे तो नींद आ रही है, पर वो ड्राइवर के पास बैठा हूँ ना तो मुझे सोने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सामने वाला जो कॉन्टेजियस होता है ना रे स्लीपिंग, एक दूसरे बंदे को भी ऐसा लगता है कि सो जाओ। चलो गाइस निकलते हैं अभी। तो गाइस फाइनली अभी हम यहाँ पे रुके हैं, कुछ खाते हैं, बहुत टाइम हो गया है। रुके हैं तोड़कर मिसल हाउस, यहाँ पे तो प्लान कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि सब लोगों को मिसल नहीं खानी है, तो अभी दूसरा होटल ढूंढ रहे हैं। चलो भाई निकलते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी हम कुरकुरे खा रहे हैं, कुछ दोस्त लोग बन चुके हैं यहाँ पे, उन्होंने कुरकुरे लाए थे। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद हम यहाँ पे आ गए अभी, सदा लक्ष्मी खाना। और जब तक खाना रेडी होता है तब तक चार्ज कर लेते हैं। ऑर्डर किए सेव भाजी, उसके साथ रोटी है, नान। सभी स्टूडेंट लोग हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैकेनिकल में पढ़ते, तो हम सब। और ये हमारे कैब ड्राइवर साहब हैं, इनकी गाड़ी है खुद की। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन। गाइड स्वागत है आपका कोपरगांव के रोड नंबर नेशनल हाईवे डायरेक्ट। क्या रोड है देख लो, ये नेशनल हाईवे। स्विमिंग भी कर सकते हो रास्ते में, आपको अगर थकान हो जाए ना थोड़ा सा फ्रेश भी हो सकता है। तो गाइस अभी हम एंटर हो रहे हैं ओला में। बस 2 मिनट में मैं पहुंच रहा हूं अपने शॉप पे, उतर चुका हूं अभी। चलो थैंक यू, बाय बाय स्वप्निल। तो गाइज अभी तो बड़ी गाड़ी आने लगी मुझे लेने के लिए यहाँ पे। तो गाइज ये तो अभी निकाला भी नहीं है, इसका जो डेकोरेशन था। और भाई सुनील ना रास्ता रिपेयर करने का काम कर रहा था आज दिन भर, सोना मोना टर्न अराउंड। तो गाइज अपना घर आ गया है और मेरी आवाज भी बढ़ चुकी है, और घर पे आपको दिखेगा सब। ये देखो क्या बिछा हुआ इधर, ये भी यहाँ पे देख लो। सुनील बोल रहा है रॉकी को है ना यहाँ पे बंद नहीं करते, अभी उसको दूसरी जगह पे बांध दिया है। रॉकी ना ये सोयाबीन को खराब करने का काम कर रहा है, इसलिए उसको इधर बांध दिया। क्या हाल रॉकी भाई, क्या हाल? सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो गाइस ये अपनी सोयाबीन है, ये भी हमारी सोयाबीन है। मम्मी, मम्मी बोल रही है गाइस, हे गाइस, कदे अली पायल जो आ गए उस। तो गाइज अभी मम्मी बोल रही है अब मैं आ गया हूँ इधर, तो मम्मी बोल रही है अभी इसके ब्लॉग में नहीं आऊंगी, तुम्हारे ब्लॉग में आऊंगी। एक फेमस मराठी मूवी है, उसमें वो कैरेक्टर था, वो नानसपुरे, हाँ वो ऐसा ही करता था, वो जिसके साथ जाता था ना, उसका फोटो रखता था, उसको दिखाता था।
और यहाँ पे पायल अभी फिलहाल मूंगफलिया मूंगफलिया को उबाला है और उनको खा रही है। इसमें थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है, खा लो दोस्तों। नमकीन नमकीन मूंगफलिया बनाने को बोला था, नमकीन ही बना दी सब। तो गाइस अभी जस्ट मूंगफलिया खा के हम जा रहे काम करने के लिए खेतों में। तो ये देखो हमारी मूंगफलिया निकालने का काम चल रहा है यहाँ पे। तो मम्मी पापा मूंगफलिया तोड़ रही है जो निकाला हुआ है, और हम दोनों अभी ये उसको निकाल के रखेंगे। हाँ, उखड़ने का काम हम करेंगे। आज मेरा स्किन टोन देख लो अब कैसा है, और जब मैं जाऊँगा तब कैसा होता हो जाएगा देख लो आप। थोड़ा सा थक गया है, रात को थोड़ा लेट सो गया था ना, नींद पूरी नहीं हुई है। कार में मैं सोना चाहता था पर वो ड्राइवर के बाजू में बैठा था ना, तो मुझे लगा मैं सो जाऊंगा तो उसको भी नींद आएगी, तो मैं सोया ही नहीं। चलो शुरू करो भाई, मैं वीडियो निकालता हूँ। कम ऑन पायल, यू कैन डू इट। मिट्टी रहने नहीं चाहिए उसको। तो मूंगफली उखाड़ दिए अभी, अभी बाकी आधा बचा है वो उखाड़ने के लिए जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मस्त अभी मूंगफलियां निकालने का काम चल रहा है, और सुनील को चींटियों ने काट लिया है। जो भी हमारी लाइंस थी उनको निकाल लिया है हमने। पायल की बची है, इतनी बची है यहाँ पे। हाँ पायल सबसे पीछे रह गए। एक ही हमने तीन तीन ली, एक ही ली थी फिर भी पीछे। हाँ पायल सिर्फ एक एक लाइन निकल रही है। बराबरी कर रहे हैं अपने बराबर की लोग। बातें तो बराबर वाली करते हो ना आप। चलो अभी शुभम जा रहा है खेतों में। भाई ये पायल खींचते खींचते गिर गई नीचे। कम ऑन कम ऑन। देखो भाई कितना ये कितना हितु सा है, ये भी नहीं हो रहा है उससे खींचने को। तो गाइस फाइनली हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हाथ देखो पूरे मेले हो गए। गाइस मुझे चाय मिल गई है, सुनील को चाय मिल रही है। मम्मी चाय पीने के लिए आ जाओ, इट्स चाय टाइम फाइनली एट आवर होम। चाय टाइम दोस्तों। तो गाइस 20 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है, तो पायल बोल रहे हैं हमें कुछ गिफ्ट दो। सुनील बोलता है पूरे चौड़ में बोलता है सुनील क्या गिफ्ट दो। पायल बोल रहे फिर हमें ना एक पैकेज दे दो, मतलब घूमने के लिए जाने का। अभी हम दोनों जा रहे हैं हमारे नजदीक के गांव में, जहाँ से हमें शॉपिंग करनी है, कुछ सब्जी वगैरह लेके आनी है। तो कोई ये मत समझ लेना भाई बहुत शो ऑफ कर रहे हैं यार इसके पीछे ना थोड़ा। क्या है उसमें वो क्या गाड़ी क्या खड़ी करने के लिए ले क्या? पर इतने छोटे से जगह में नहीं जाना चाहिए ना। क्या छोटी सी जगह, फिर उसको क्या सीधा लद्दाख लेके जाए क्या तुम भी निकालने की? तो गाइस गाड़ी अभी रास्ते को लग चुकी है, चलो निकलते हैं। रास्ते में सचिन को उठाते हैं फिर जाते हैं। लर्निंग का है ना, जो येल होता है ना वो डाल दो पीछे गाड़ी में। जब तक सीखना जाओ अच्छे से, कभी कभी गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होता है ना मुझे। तो गाइस अभी हम पाटोदा में हैं, और अभी हम पेट्रोल भरवा रहे हैं, डीजल भरवा रहे हैं सॉरी। सचिन भाई ने मस्त संदूक खोल दिया है पीछे, मैं तो नहीं उतरा भाई नीचे। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आए हैं, कुछ खरीदी करना है हमें, फरसान वगैरह। देखो भाई कितने पापड़ी निकालने का काम चल रहा है। मशीन में सीधा डाल के डायरेक्टली पापड़ी निकलती है यार। देखो भाई पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड करके रखा है, वहाँ पे आटा गुनने का काम चल रहा है, फिर इसमें लिया जाता है, फिर इसमें डाल के वो मशीन से ही निकलते है पापड़ी जो है पापड़ा। गाइस अभी हमें खरीदने थोड़े से पाव और मटकी, क्योंकि हमें बनानी है मिसल। गाइस अभी हमें पाटोदा गांव में, जो हमारे गांव के बहुत ही नजदीक है, जो भी हमारे काम की चीजें वो मिल जाती है, तो ये हमारा सबसे नजदीक वाला गांव है। ये है पाटोदा गांव का श्री रामेश्वर मंदिर। तो गाइस अभी पानी पूरी खाने के लिए रुके यहाँ पे, तो मस्त पानी पूरी खाते है।
आप लगवाए थे भाई? ये लोग है ना, ये लोग गए एक दुकान में, एड्रेस पूछ रहे थे बेकरी किधर है। वो दुकानदार बोलता मेरा नाम पता है ना आपको, तो मेरे घर के बाजू में है, मेरा घर है ना। अबे तुमको नहीं, तुम्हारे घर का ही पता होगा। तो सचिन को बहुत पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही थी, मस्त अभी पानी पूरी खा रहे है। सूखी भूल गया था ये, तो भाई अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अभी हम जा रहे हैं घर, और ड्राइविंग कर रहा है शुभम, एकदम घने रास्ते से जा रहे। गाइस अभी हम घर पहुंच चुके हैं, मस्त अभी खाना हो रहा है, और खाने में आज बनी है स्पेशल मिसल मम्मी के हाथ की। और ये फरसान लाने के लिए हम गए थे, पाव लाने के लिए गए थे, और शुभम भी आ चुका है आज हमारे साथ, जुड़ चुका है। तो गाइस हम लोग गांव में गए थे, सुनील भी था, सचिन भी था, और पायल घर पे रुकी थी भाई, पायल डर रही थी, इधर आके बैठी ग्रैंडफादर के पास। हे गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, और आज का दिन काफी मतलब ट्रैवल में चला गया है मेरा, और मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, मस्त खाना वाना होके रिलैक्स एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। पापा उधर बैठे हैं, अपना कुछ तो चल रहा है, उनको है ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने की आदत लग चुकी है, वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहे। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तुला तशी चालू इथे चालू नीट करणार तुझे। Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you